नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्यूटेल्स पर। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर बेसिकली होता है जो भी लिक्विड की वजह से प्रेशर लगाया जाता है उसको बोलते हैं लिक्विड प्रेशर। यहाँ पे जैसे कंटेनर दिख रहा है आपको, इस कंटेनर में जितना भी प्रेशर ये लिक्विड अंदर डाल रहा है उससे होता है लिक्विड प्रेशर। जल्दी से एक सिमुलेशन देख लेते हैं। सिमुलेशन फेट कोलोराडो से है, बहुत ही प्यारी सिमुलेशन है और इससे आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आप ये सिमुलेशन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सिमुलेशन में ये एक टैंक है, इसमें पानी है, इसमें थोड़ा और पानी भर लेते हैं। अब इसमें मैं ग्रिड लगाती हूँ, ग्रिड से आपको उसकी डेप्थ पता चलेगी कि यहाँ 0 है, यहाँ 1 मीटर है, यहाँ 2 मीटर है, यहाँ 3 मीटर है, ऐसे। ठीक है, ये एक डिवाइस है, इससे मेरा प्रेशर पता लगता है। तो जो डिवाइस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नोट करता है वो होता है बैरोमीटर, और जो लिक्विड प्रेशर को मेजर करता है वो होता है मैनोमीटर। अब मैं इसको ज़रा यहाँ पर प्लेस करूँगी थोड़ा सा। हाँ, देखा, अब यहाँ पे रीडिंग आ रही है 108.407 किलो पास्कल। अब मैं क्या करूँगी, मैं एक और मैनोमीटर लूँगी और देखिए मैं लेफ़्ट की तरफ नहीं देख रही हूँ, मैं यहाँ 1 मीटर पे प्लेस करूँगी। क्या दोनों की रीडिंग सेम है? यहाँ 108.407 है, यहाँ भी 108.407 है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर लेवल पे, एक सर्टेन डेप्थ पे जो मेरा प्रेशर होता है वो सेम होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको ज़रा नीचे ले गई 2 मीटर पर और एक और लेती हूँ और इसको और नीचे प्लेस करती हूँ। तो एक मेरा मैनोमीटर 1 मीटर पे है, एक मेरा 2 मीटर पे है और एक 3 मीटर पे है। तो मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे मेरी डेप्थ इंक्रीज़ हो रही है, मेरी जो रीडिंग है मैनोमीटर पे वो भी इंक्रीज़ हो रही है। पहले है 108, दूसरा 118, तीसरा 127। तो जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा रीडिंग भी बढ़ रहा है। इसका मतलब, इससे मुझे ये पता लगता है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है वैसे वैसे मेरी जो लिक्विड प्रेशर है वो बढ़ता है। दो पॉइंट्स अब तक क्लियर हो चुके हैं आपको। अगला देखते हैं, तो मैं क्या करूँगी, इनको वापस मैं करती हूँ। अब वाटर पे 1 मीटर पे मेरी जो रीडिंग है वो है 108.407 किलो पास्कल। अब मैं इसकी डेंसिटी बढ़ाती हूँ, तो डेंसिटी आप यहाँ देखिए, वाटर की आपको यहाँ दिख रही होगी, वाटर की होती है 1000 kg/m³। एक सेकेंड, 1000 kg/m³ ये होती है वाटर की। अब मैं इसको हनी पे शिफ्ट करती हूँ, तो जैसे ही मैंने हनी पे किया मेरी फ्लूइड डेंसिटी आप ऊपर देखिए 1420 हो गई 1000 से, और यहाँ जो मेरा प्रेशर की रीडिंग है ये भी बढ़ गई, ये हो गई 111। सो इसका मतलब जैसे मेरी डेंसिटी बढ़ी मेरा लिक्विड प्रेशर भी बढ़ा। एक बार दोबारा रिलेशन देखते हैं, तो इस बार मैं फ्लूइड डेंसिटी घटा देती हूँ, तो मेरी फ्लूइड डेंसिटी घट के हो गई है 700 kg/m³। तो इसका मतलब मेरी डेंसिटी घट गई। जैसे ही मेरी डेंसिटी घटी मेरा जो लिक्विड प्रेशर है वो भी घट गया, देखिए 106 हो गया। इसका मतलब प्रेशर, लिक्विड प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। एज माय डेंसिटी इंक्रीजेस माय लिक्विड प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस, एज माय डेंसिटी डिक्रीजेस माय लिक्विड प्रेशर आल्सो डिक्रीजेस। तो वो दोनों डायरेक्टली होते हैं, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। क्लियर। अब चौथी चीज़ हम ये देखते हैं कि क्या ये जो मेरा, इसे वापस वाटर पे ले आते हैं, तो क्या मेरा जैसे जैसे ये चेंज होता है, मतलब जिस कंटेनर में डाला है क्या लिक्विड प्रेशर उसकी बाउंड्री पे भी लगाता है? एक सेकेंड, मैं इसको ज़रा रिफ्रेश कर देती हूँ। 1000 kg आपको दिख रहा है, ग्रिड वापस ले आते हैं, पानी थोड़ा सा भर देते हैं। अब देखिए ये मैनोमीटर को मैं बाउंड्री पे लेके जाऊँगी, तो मुझे दिख रहा है यहाँ प्रेशर है ना। इसका मतलब जो ये कंटेनर है इसकी वॉल्स पे लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट होता है। और देखिए जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ वैसे वैसे मेरा लिक्विड प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा लिक्विड प्रेशर जो होता है वो डेप्थ के साथ बढ़ता जाता है। आई होप आपको ये चारों पॉइंट क्लियर हैं, राइट? अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने 1 मीटर पे प्लेस किया, ठीक है, और ये भी, राइट? अब देखिए, अब मैं क्या किया, ये कंटेनर मेरा बॉक्स स्टाइल है, लेवल सेम है, मैं कंटेनर चेंज कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा जो 101 मीटर पे मेरा 104.374 है, यहाँ भी 100.374 है, राइट? अब मैंने ये कंटेनर फिर से बदला और इसमें मैंने पानी डाल दिया। देखिए क्या मेरा 1 मीटर इस पर भी मेरा पानी सेम है? हाँ। इसका मतलब कि मेरा जो लिक्विड प्रेशर होता है इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन माय एरिया, सरफेस एरिया, या फिर कैसी साइज़ है या शेप है। अब आप कहेंगे इसका चेंज क्यों हो गया, 104 क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया। जैसे जैसे पानी का लेवल चेंज होगा वैसे वैसे भी आपका यहाँ पर लिक्विड प्रेशर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इस वाले पे ध्यान से देखिएगा, जो भी मेरा ये पार्टिकल है यहाँ पर, ये
1 meter पे जो ऊपर का पानी टोटल है उसका प्रेशर लग रहा है, 1 meter पे उतने पार्टिकल का फोर्स लग रहा है, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जितना ज़्यादा पार्टिकल उतना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा प्रेशर, 2 meter पे ऊपर के इतने सारे पानी का फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा होगा, और 3 meter पे इतने सारे पानी का लग रहा है, इसीलिए जो मेरा प्रेशर है वो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, और मेरे पानी का भी उस पर फ़र्क पड़ता है कि कितना पानी उस कंटेनर में डला हुआ है उस लेवल पे। आशा करते हैं आपको इतना समझ आया होगा। वापस हमारी PPT पे जाके एक बार ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने लिक्विड प्रेशर की पढ़ी है इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। तो वापस आ गए हम इस सिमुलेशन पे। अभी हमने ये सिमुलेशन पढ़ी है, इस बेसिस पे हम कुछ जो अभी हमने सीखा उससे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं लिक्विड प्रेशर की। तो ये कंटेनर है, इसमें मैंने 3 holes किए, तो मानते हैं कि ये जो होल है पहला वाला मेरा हुआ A पे, दूसरा वाला मेरा हुआ B पर, और तीसरा हुआ C पर। तो आप देखेंगे कि A से जो पानी निकल रहा है वो यहीं लैंड कर रहा है, तो डिस्टेंस बीकर से इतनी है, B यहाँ पे कर रहा है इसकी डिस्टेंस इतनी है, और C यहाँ कर रहा है तो इसकी डिस्टेंस इतनी है। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस मेरी C के इसमें है, क्योंकि सी की डेप्थ ज़्यादा है, तो एज़ मेरी डेप्थ बढ़ेगी वैसे मेरा लिक्विड प्रेशर भी बढ़ेगा, इसीलिए जो मेरा लिक्विड प्रेशर है वो सी पर मैक्सिमम है। तो इससे मैं लिक्विड प्रेशर के बारे में क्या कंक्लूड करती हूँ, दैट लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डेप्थ। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ए पर जो मेरा प्रेशर है वो इतने की वजह से लग रहा है पार्टिकल्स की, बी पर मेरा इतने की वजह से लग रहा है, एंड सी पर इतने की वजह से लग रहा है, क्योंकि यहाँ फोर्स सी में ज़्यादा लग रहा है पार्टिकल्स की वजह से, पार्टिकल्स बढ़ गए हैं इसी वजह से यहाँ प्रेशर भी ज़्यादा लग रहा है, और क्योंकि प्रेशर ज़्यादा लग रहा है तो मेरा लिक्विड प्रेशर की वजह से आप देख सकते हैं क्या हुआ। अगला, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट लिक्विड प्रेशर इससे। अब देखिए यहाँ रेड लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पर मेरे तीनों मैनोमीटर का मैंने एंड रखा है छोर, तो देखिए यहाँ पर जो ऊपर रीडिंग है इसका मैग्नीट्यूड सेम है ना, क्योंकि मेरा पॉइंटर एक ही डायरेक्शन में तीनों, इसका मतलब एक पर्टिकुलर लेवल पे जो मेरा लिक्विड प्रेशर की रीडिंग होगी वो सेम होगी। देखिए इससे मैं कंक्लूड करती हूँ दैट लिक्विड एग्जर्ट्स इक्वल प्रेशर एट सेम डेप्थ। अगर यहाँ मैंने इस लेवल पे देखा होता, इस लेवल पे ये एक सीधी लाइन नहीं है पर मानिए ये सीधी लाइन है, तो इस लेवल पे भी अगर मैं मैनोमीटर को प्लेस करती तो मैं देखती कि रीडिंग सेम आती, क्या वो रीडिंग इसी इतनी ही होती, नहीं, क्योंकि डेप्थ बढ़ रही है इसलिए उसकी रीडिंग ज़्यादा होते। अगला देखते हैं, यहाँ एक फ्लास्क है उसमें मैंने 4 openings की है राइट, और ऊपर से मैंने फोर्स लगाया, तो क्या होगा यहाँ से पानी निकलेगा, क्यों, क्योंकि जो मेरा लिक्विड प्रेशर है इट एग्जर्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस, इस वजह से। इसके लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं, तो इसे मैं कंक्लूड करती हूँ कि लिक्विड एग्जर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। अब मैं क्या करूँगी, एक बलून लिया, पानी भरा और उसको पंचर किया, बहुत सही जगह उसमें होल्स किए, आप क्या देखेंगे कि जो अंदर पानी है उसके वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो बलून के अंदर का पानी है इट विल एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ देखिए वाटर का मेरा 1 gram per cm³ है, सिमुलेशन में आपको याद होगा वहाँ 1000 kg per m³ था, इसीलिए क्योंकि मैंने ग्राम को kg और सेंटीमीटर को मीटर में किया, उसमें मेरा होता है 1000 kg per m³। अब वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है या कुकिंग ऑयल की, वाटर की, तो यहाँ पे जैसे ही मेरी डेंसिटी बढ़ी आप देख सकते हैं कि यहाँ लिक्विड प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कुकिंग ऑयल, इसका मतलब जैसे मेरी डेंसिटी बढ़ती है मेरा लिक्विड प्रेशर भी बढ़ता है। सो आई कैन कंक्लूड दैट लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एज द डेंसिटी इंक्रीजेज माई लिक्विड प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज। अगला, यहाँ देखिए डिफरेंट शेप के कंटेनर्स हैं, इनका साइज डिफरेंट है और इसमें पानी भरा है। अब आप मुझे बताइए जहाँ टॉप है ये जो लेवल है क्या यहाँ पे सेम रीडिंग होगी मैनोमीटर की, होगी, क्यों, बिकॉज मेरा जो लिक्विड प्रेशर होता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज और द शेप ऑफ द कंटेनर। तो एक लेवल पे, एक पर्टिकुलर लेवल पे मेरा जो लिक्विड प्रेशर होता है मैनोमीटर का वो सेम होगा, अगर मेरी डेप्थ बढ़ेगी तो इस पर मेरा लिक्विड प्रेशर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। आई होप इट्स क्लियर टू यू, राइट। नाउ लेट्स क्विकली समराइज व्हाट वी हैव जस्ट लर्नड। So first is liquid exerts pressure in all directions. Liquid exerts equal pressure at same depth. Liquid pressure increases with increase in depth. Next, liquid pressure depends on the density of the fluid. It increases with the increase in the density of the fluid. Next, लिक्विड प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप और द साइज ऑफ द कंटेनर। किसी भी शेप का हो, अगर मेरा इतना शेप है, इतना एक है,
इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द सर्फेस. मेरा अगर इतना बड़ा बीकर है और एक बीकर इतना बड़ा है, दोनों में बराबर पानी डाला, तो मैनोमीटर यहाँ लगाऊंगी और यहाँ लगाऊंगी, दोनों में सेम लिक्विड प्रेशर आएगा, सेम. नाउ लेट्स क्विकली सी गिव रीजंस व्हाई. तो ये जो अब तक हमने पढ़ा है ये अप्लाई होता है डेली लाइफ में. अब ये अप्लाई होता कहाँ है? सबसे पहले सबमरीन्स में. सबमरीन्स क्या होती हैं? ये शिप्स होती हैं जो फुली कवर्ड होते हैं और ये डीप सी में जाती हैं. कभी ये हम आर्मी के पर्पज़ से भी यूज़ करते हैं और कभी हम कमर्शियल पर्पज़ से भी यूज़ करते हैं, मतलब हमें अगर ओशनोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं. तो क्या होता है, जैसे जैसे मैं सी में नीचे जाऊंगी वैसे वैसे डेप्थ इंक्रीज़ होगी. जैसे जैसे मेरी डेप्थ इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे वो जो प्रेशर होगा, लिक्विड प्रेशर, वो भी बढ़ेगा. एज अ लिक्विड प्रेशर इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, तो उस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए मेरी जो सबमरीन्स की वॉल होती हैं वो थिक होती हैं ताकि वो सस्टेन कर सके. नेक्स्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन. जितनी ज़्यादा हाइट पे आप रखेंगे उतनी ज़्यादा उसका लिक्विड प्रेशर होगा, जितनी लो हाइट पे होगा उतना कम उसका लिक्विड प्रेशर होगा. तो जो हमारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बॉटल होती है उसको अपने हाइट पे रखा, अब वो इतना प्रेशर होना चाहिए उसका कि जब वो आए और आपकी वेंस में जाए तो वो सीधा आपके ब्लड में मिक्स हो जाए, राइट. अगर प्रेशर कम होगा तो वो जा ही नहीं पाएगा आपके ब्लड वेसल्स में, राइट. दैट इज़ वाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमारी जो बॉटल्स होती हैं वो हाइट पे रखी होती हैं. नेक्स्ट, डैम्स. डैम्स में बेस पे वॉल्स जो होती हैं वो थिकर होती हैं. आप देखिए ऐसे है, बेस पे थिक वॉल्स है. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे आपकी डेप्थ बढ़ेगी, डेप्थ बढ़ते ही आपकी लिक्विड प्रेशर बढ़ेगी. सो उतना हाई प्रेशर को वो वॉल सस्टेन कर सके, इसीलिए हमारा डैम ऐसे होता है, बेस पे चौड़ा ऊपर पतला. करेक्ट, क्लियर. नेक्स्ट, पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम. तो जो पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम होता है उसमें आपने देखा होगा आपकी पानी की टंकी जो होती है बिल्डिंग के ऊपर होती है. अगर नीचे होती है, जैसे अगर आपको टंकी भरनी होती है तो आप वहाँ पे पंप लगाते हो या जनरेटर लगाते हो. दिस इज़ बिकॉज हाइट पे प्रेशर जो होता है वो हाई होता है, बिकॉज हाइट के साथ आपका लिक्विड प्रेशर इंक्रीज़ होता है. तो जो हाइट से जब पानी नीचे आएगा तो आपको कोई पंप वंप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईजिली वो आपकी टैप्स में और घर पे जहाँ पे भी कहीं पे भी आपको यूज़ करना है वहाँ आप यूज़ कर सकते हो. पर आप अगर उसे रखोगे ही नीचे तो आपको हर बार अपना पंप ऑन करना पड़ेगा, इसीलिए टैंकीज वाटर टैंक वगैरह ऊपर होते हैं. इसीलिए जब आपने देखा होगा एक गोल वाटर टैंक जो पब्लिक में रास्ते में पड़ता है जिसमें वाटर स्टोर होता है कम्युनिटी का, वो भी हाइट पर होता है सो दैट वो जा सके, जैसे कि यहाँ वाटर टावर पे या यहाँ वाटर टैंक पे या घर की बिल्डिंग में भी. आई होप आपको इतना क्लियर है. लिक्विड प्रेशर को जल्दी से एक बार समराइज कर देते हैं. तो लिक्विड प्रेशर इज़ बेसिकली द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय द लिक्विड. ये डिपेंड करता है हमारा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे, जैसे डेंसिटी बढ़ती है वैसे लिक्विड प्रेशर बढ़ता है. अगला, हाइट ऑफ द कंटेनर पे. जैसे मेरी हाइट बढ़ेगी वैसे मेरा लिक्विड प्रेशर बढ़ेगा. ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर और द एरिया ऑफ द कंटेनर, राइट. इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट लिक्विड एग्जर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, वो बलून वाला एक्सपेरिमेंट. लिक्विड एग्जर्ट इक्वल प्रेशर एट सेम डेप्थ, इसका मतलब अगर मेरा ये एक वाटर का कंटेनर है और मैं यहाँ पे सेम लेवल पे होल्स करती हूँ तो मैं देखूँगी कि वाटर का जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वो सेम होगा, क्योंकि प्रेशर जिस प्रेशर से पानी बाहर आ रहा है वो सेम है. अगला है, लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डेप्थ. मतलब आपको याद होगा जो ये पानी वाला कंटेनर था इसमें मैंने तीन होल्स किए, एक से पानी अगर ऐसे आ रहा है दूसरे वाले से ऐसे आएगा और तीसरा ऐसे आएगा. बिकॉज जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगी मेरा लिक्विड प्रेशर बढ़ता जाएगा, बिकॉज लिक्विड प्रेशर डेप्थ के साथ बढ़ता है. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है. अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. और इससे अगला टॉपिक जो हम करेंगे वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए. इस चैनल पे साइंस और मैथ्स की दोनों की वीडियोज़ हैं, प्लीज़ दोनों वीडियोज़ को चेकआउट करिए. थैंक यू, अगली वीडियो तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय.